चुनावी साल में देश प्रदेश के नेताओं के बयान में तलखी बढ़ती जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को जहरीला सांप बताने के बाद माफी मांगी। अब केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह ने सीएम गहलोत को राजस्थान की राजनीति का रावण बता दिया। गुरुवार को चित्तौड़गढ़ में बीजेपी की जन आक्रोश रैली में शेखावत ने सीएम और कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री पर पलटवार करते हुए कहा, मैं गजेंद्र को राम तो बोल दूं, लेकिन वे राम की तरह व्यवहार तो करें। गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने भाषण के आखिर में कहा, राजस्थान में राजनीति के इस रावण अशोक गहलोत को समाप्त करना चाहते हो तो भुजाएं उठाओ, राजस्थान में राम राज्य की स्थापना के लिए संकल्प कीजिए। उन्होंने अपने भाषण के दौरान पेपर लीक और करप्शन पर सरकार को घेरते हुए कहा, बीजेपी सरकार आने पर इसकी सीबीआई जांच होगी। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, राजस्थान में पेपर लीक हो रही है। आरपीएससी पेपर लीक पर सीएम कह रहे थे कि इस मामले में कोई नेता या अफसर दोषी नहीं है। अब तो आरपीएएसी पेपर लीक पर सीएम कह रहे थे कि इस मामले में कोई नेता या अफसर दोषी नहीं है। अब तो आरपीएएसी का मेंबर पकड़ा गया है। अब तो इनके पकड़े जाने की शुरुआत हो चुकी है। सरकार बदलने दीजिए, पेपर लीक की सीबीआई जांच होगी। कांग्रेस के कई नेताओं के गिरिबान तक पुलिस का हाथ पहुंचेगा। कई कांग्रेस नेता जेल जाएंगे। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को जनता माफ नहीं करेगी। राजस्थान में राजनीति के इस रावण अशोक गहलोत को समाप्त करना चाहते हो तो ताना उठा, भुजाएं उठाओ और राजस्थान में राम राज्य की स्थापना के लिए, राजस्थान में राम के राज्य की स्थापना के लिए संकल्प करो। चाहे वो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और बीजेपी नेता जल्ला करके मेरे बारे में अपशब्द कहने लग गए हैं आजकल। मैं रावण हूँ। अरे भाई, तुमने लूट लिया माँ, संजीवनी सोसाइटी है, 2-2.5 लाख लोग बेचारे जो बर्बाद हो गए हैं, पहले खाके बैठ गए लोग, जेलों में बंद है उनके मित्र लोग, उनके मित्रों को जेल में डाला हुआ है, वो भी कभी भी जेल जा सकता है, ऐसी नौबत है। अभी हाईकोर्ट से उन्होंने स्टे लिया है,